देखो भैया, ऐसा है कि आज हम वीडियो में बात करने वाले हैं BTS कोलैब के बारे में। गरेना ने बहुत दिनों पहले ये न्यूज छोड़ के रखा है कि जल्दी ही गेम के अंदर हम तुम्हें कुछ चमत्कारी चीज दिखाने वाले हैं। मतलब अब गेम के अंदर आने वाला है पापा का पड़ा, और तुम अपनी निबी को बता सकते हो कि तुम अगर पापा की पड़ी हो ना तो हम भी पापा का पड़ा है। गरेना चाचा ने बहुत ही ज्यादा मेहरबानी कर दी है हम लोगों पे। अब ये गरेना चाचा का जो BTS कोलैब है ना, बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग कोलैब है, पर्सनली उन लोगों के लिए जो इंस्टाग्राम रील्स बनाते हैं जिन्हें लौंडिया बनने का शौक होता है। जोर जोर से बोल के लोगों को स्कीमें बता दे। अब तुम भी इंस्टाग्राम पे फॉलोअर्स बढ़ा सकते हो, लौंडे सेट कर सकते हो, समझ रहे हो ना मैं क्या बोल रहा हूँ। देखो अब ये जो कोलैब है ना, एक लौता ऐसा कोलैब है फ्री फायर के अंदर जिसमें तुम्हें 7 प्रकार के प्राणी दिखेंगे और उसके 7 प्रकार के ड्रेस भी दिखेंगे। रोनाल्डो डीजे आलोक जैसे इस टाइप के जो कोलैब हुए थे, इसमें तुम्हें सिंगल प्राणी देखने को मिला गेम के अंदर, लेकिन इसमें तुम्हें 7 प्रकार के प्राणी दिखेंगे। और ये जो BTS वाला कोलैब है ना, इसका हिप इंडिया में मुझे कम सा दिख रहा है। कम से मेरा मतलब है, यूं कह लो, खत्म, बाय बाय, टाटा, गुड बाय, गया। जिस टाइप का हाई BTS इवेंट होना चाहिए था वो मुझे खास कुछ गेम के अंदर दिख नहीं रहा है। लेकिन एक चीज का हिप बहुत भयंकर चल रहा है अभी के टाइम में। देखो अब इस बात से जो BTS लवर है ना, थोड़ा ऑफेंड हो जाते हैं, बहुत भयंकर ऑफेंड हो जाते हैं। अब वो जो ज्ञान पेलते हैं, ऐसा होता है, वैसा होता है, ऐसा है, वैसा है, ये होता, वो होता, पर जो मैं बोलने वाला हूँ उसे ध्यान से सुनो। जो BTS वाला इवेंट है ना, यहाँ मुझे 7 प्राणी देखने को मिल रहे हैं। अब ये जो 7वां प्राणी है थोड़ा सा अजीब नहीं दिख रहा है तुम्हें? नहीं समझे, कोई बात नहीं, हम क्यों हैं, इसीलिए हैं तुम्हें समझाने के लिए, हम यही सब बताते हैं लोगों को। और ये जो है ना पापा का पड़ा, इस पे मैं थोड़ा जूम करके देखता हूँ ये कैसा दिख रहा है। और इस बंडल के आने से तहलका मच गया पूरे फ्री फायर में, पता है क्यों? क्योंकि इसके आने के बाद डीजे आलोक, स्काइलर, रोनाल्डो, ये सारे कैरेक्टर खतरे में आ गई है, क्योंकि गेम के अंदर ये बंडल बहुत देखने को मिल सकती है। अब इसके पीछे रीजन है BTS की फैन फॉलोइंग इतनी ज्यादा है ना, इतनी ज्यादा है कि इस बंडल को वो ट्रेंडिंग बंडल बनाएंगे और जितने भी BTS लवर है ना, बंडल को डेफिनेटली निकालेंगे। ये मिलके BTS को फुल सपोर्ट देंगे क्योंकि उनकी फैन फॉलोइंग तो बहुत ज्यादा है। लेकिन ये जो बंडल है ना यार, इसमें एक छोटा सा मिस्टेक कर दिया है गरेना चाचा ने। अभी सोचो वैसे कैरेक्टर जिसके थोड़े थोड़े बियर्ड्स आते हैं, उन पे ये ड्रेस कैसा लगेगा, कमेंट में यार डेफिनेटली बताना। देखो एक चीज है जो मुझे समझ नहीं आ रहा है, गरेना चाचा ने ये बंडल देके BTS वालों का मजाक बनाया है या कोलैब किया है यार, मुझे कमेंट करना प्लीज। तो छोड़ो यार मुझे क्या करना, बट अगर तुम्हें वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर देना, और चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना। तो भाई आज की वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में, अभी के लिए बाय बाय। Well done, well, well done. I got broads in Atlanta, just to lean the family, credit cards in the scammers, hitting the licks in the bank, legacies.